लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बालकनी 31 जल्दी करो, फिल्म शुरू होने वाला है। मदर इंडिया फिल्म नरगिस का बेस्ट एक्टिंग, जल्दी करो, थोड़ा टिकट बचता है। चलो पुलिस वाला आ जाएगा, जल्दी करो। एक है दो, छुट्टा इंटरवल में बाबा, छुट्टा इंटरवल में। चलो चलो ना जल्दी चलो। क्यों बे? बालकनी नहीं, मंदाकिनी। समझा कि नहीं? समझ गया। हवलदार, हवलदार, नाकेदार, सूबेदार, सरपोतदार। गलत जगह हाथ डाला है तूने। बिल्कुल सही जगह हाथ डाला है। जरा कोने में चल, बताता हूँ कौन हूँ। आप हवलदार को कोने में लेके जाता है? You insulted I? You know I? क्या मतलब? CID वाले अपनी शिनाख्त दूसरों पर जाहिर नहीं करते, गधे। गधे? सुनो, देखो, मैं यहाँ जो ब्लैक टिकट करते हैं उन पर नजर रखने के लिए आया हूँ, समझे? अबे मगर तू है कौन? कहा ना मैं CID ऑफिसर हूँ। तू CID ऑफिसर और तू? अरे धोतेदार, I know you। क्या मतलब? तुम्हारा नाम धोतेदार है ना? नहीं, सरपोतदार है। हाँ सरपोतदार, I know। बहुत ईमानदार, बहुत काबिल किस्म के हवलदार। आप ऑफिसर हैं? मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप इतने नेक हैं और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही काबिल अफसर है। कहीं चलते हैं, मुझे इस इलाके के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछना है। सर मैं वो मैं चाहता हूँ आपकी सच्चाई पीऊं, कुछ प्राइवेट बातें करूं। अच्छा, जब चाय तो पियेंगे। मैं मेरे पैसा वन... पैसे बहुत है धोतेदार मेरे पास। धोतेदार नहीं सर, सरपोतदार। हाँ हाँ सरपोतदार। चलिए चलिए। अच्छे से अच्छा कौन सा रेस्टोरेंट है इधर? इधर महंगा इधर सस्ता है, तो इधर चलते हैं। ए फटकरी, ए किसको फटकरी बोला रे? तेरे को कितनी बार बोला मेरा नाम फटाकड़ी है? साला घड़ी घड़ी फटकड़ी फटकड़ी करता, एक लगाऊंगी। एक प्लेट गुड्डा मसाला लाओ। ए बोकर, साहब का गुर्दा निकाल। आप पुलिस, मैं CID, बहन भाई। सर आप बहुत बहुत बड़े आदमी है, मेरे दूसरा ऑफिसर है ना, आप बैठिए सर। वो हवलदार को मुंह भी नहीं लगाते, खाना खिलाना तो दूर की बात है, आप कितने महान आदमी हैं। अपना तो बचपन से सुन रहा है कि बड़े आदमी को जूते पर, मेडल वाले को मेडल में और छोटे को सर पर। ये बात समझ में नहीं है मगर बहुत बड़ी बात है। खाने के बाद समझ आ। ए बोल क्या मांगता है? ए तेरे कमीज के इतना बड़ा सब किसको कहती है? तेरे पास क्या है वो बता। मटन करी, मटन मसाला, कीमा बाल, गुर्दा का पूरा, भेजा फ्राई, पाया तर्री वाला। क्या खाएंगे सर? आप जो भी खिलाएंगे खा लूंगा सर। आयो दो मटन फ्राई, दो चिकन फ्राई, दो बैंगन भरता, दो दाल फ्राई, आठ पराठे ले आओ। आठ पराठे ज्यादा नहीं हो जाएंगे सर? मैं भी तो खाऊंगा ना भाई। आप खाएंगे? आपके सबसे सिर्फ पुलिस वाले खाते हैं, CID वाले भी खाते हैं। मेरे मालूम नहीं थे सर। तू क्या कर रही है? ऑर्डर देने की लाइन मार रही है, चल जाना। ए सीधी तरह बात कर, मेरा नाम भी फटाकड़ी है। हाँ तो हुआ करे, मेरे को क्या करना, मेरा नाम ही नाकेदार है। चल जा। अरे जाती हूँ यार। नाकेदार जी, यस सर, इस इलाके में आपकी बड़ी दुश्मन। सर आपके जूतों के मोजों के धागों की कृपा है। इस नाके से लेकर उस नाके तक नाकेदार की धौंस ऐसे चलती है जैसे धूप में आईना चमकता है सर, वैसे। आज से ऐसी चमकेगी, ऐसी चमकेगी, हर रात चलने वाला अपना मुंह देखेगा इसमें। कसम से सर, तुम मेरे साथ आप रखिए ना सर। ये लो मेरी टोपी। ये क्या आ गई आप? ले तेरा खाना। कुछ दिया था लेकर कुछ आ गई, ये क्या? चलेगा सर, मगर सर ऐसा खाना जिंदगी में दूसरी मर्तबा खा रहा हूँ सर। अच्छा, पहले कहाँ खाया था सर? बुरा तो नहीं मानेंगे सर? इसमें बुरा मानने की बात है, बता बता खुल के बता। एक जगह शादी थी, वहाँ बिन बुलाए चोरी से दीवार कूद के अंदर पहुँच गया था। सर थोड़ा मेरे को भी ये मैं। अरे मुझे खाने दो यार, अकेले खाए जा रहे हो। मेरा हाथ तो लगा सर। मैं सर एक निवाला तो ले लूँ सर। सर मैं प्लीज सर, मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया सर। सर ये तो सब ऐसा लगता है सर, मैं टीवी देख रहा हूँ सर, प्लीज सर। मैं क्या के लिए आया सर? सर मैं क्या नुमाइश में आऊँगा सर? सर ऐसा क्या आदम क्या कोई मैं फोटो थोड़ी है सर, ये तो मेरे थोड़ा दूँ ना सर। सर ये अच्छा चलिए, मैं किसी और ये मेरा थोड़ा सा लेना था ये नहीं सर। तो मैं क्या ऐसा जरूर सर, ये सर वो
स्वीट डिश क्या लोगे? एक डिश तो हाथ लगाने मिला, स्वीट डिश क्या खा? क्या बोलते हो? नहीं नहीं सर, मैं खाया भैया, और क्या खाओगे? मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे सर आप? हाथ धो लूँ, मुझे जरा जल्दी खाने की आदत है। तुम खाओ, खाओ ना। अब क्या प्लेट खाओ, भूखा आदमी। चाटने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा यार। ए, ये ले तेरा बिल। ये मेरे को क्या देती? वो साहब आएगा, उसको देना। कौन साहब? वो इंस्पेक्टर साहब जो भी हाथ धोने को गया। तेरा खसम गया है क्या? क्या को? अरे वो इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्टर कुछ नहीं, वो टिकट ब्लैक करने वाला टपोरी है। ए, वो सुनेगा ना, तेरे को भी ले जाके बंद कर देगा अंदर। अरे तेरे ऐसी शपथ, वो इंस्पेक्टर नहीं है, अलंकार सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक करने वाला टपोरी है। मदर इंडिया गोल्डन जुबली, अब तक मदर इंडिया गोल्डन जुबली। चलिए 8:30, 8:30, 8:30, जल्दी चलो चलो। अरे चलो ना जल्दी चलो, 8:30 दे बाबा। साला चोर, फांदेबाज, टपोरिया, यहाँ टिकट ब्लैक करता, मेरे को बोलता सीआईडी ऑफिसर हूँ, मेरे को तोतेदार बोला था, गधा बोल के गधे का इंसल्ट किया था। अभी बताता हूँ, देख के देखो, ये कपड़े ऐसे नहीं पहनना, मदर इंडिया की तरह कपड़े पहनना, समझ गई? फिर हमसे कुछ सबक लो। तो बात कर रही है, टिकट मेरे को भी देना, 50 रुपए निकाल। अच्छा तो, तो। देखा भाग्य इधर से किसी को भागते हुए देखा क्या? साला गधा जवाब ही नहीं देता है। इधर से कोई आदमी को भागते हुए देखा क्या? जवाब। अबे कोई भागते हुए किसी को देखा? अबे किसी आदमी को देखा ही नहीं। अबे मरता कहाँ, कोई सीधे बोलो। कौन है? ए, मेरा पेशाब बंद हो गया। ए, ए, जिप, जिप, जिप बंद करने दे, जिप। अरे मैं बाल साहब, मैं एक्टर बनने आया था, भगवान ने मुझे ब्लैक मार्केट बना दिया। बज रही है, यहाँ बज रही है, कहाँ, इधर भी बज रही है। अरे फिर चीजों की वाले, ओए ओए, नाकेदार जी क्या हुआ? हैं? अरे ये आवाज की जगह सीधी क्यों? ये कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, ओ ले चलो, हाँ तो चलो, अरे चलो। पेट में सीटी घुस गई है। पेट में? अंबेडकर। हाँ फांदेबाज, मेरा मतलब नाकेदार, माफ करना भाई। चला नाकेदार को फांदेबाज बोलता है? वो मेरी जान का दुश्मन, वो टपोरी बाज, वो मौली साला किधर गया होगा यार? अरे उस मवाली को मारो गोली, ये जो तुम्हारे पेट में गज भर लंबी सीटी घुस गई है उसके लिए सोचो। अरे मवाली, वो साली सीटी ने तो बर्बाद किया हुआ है, पेट के तंबू में बिना ड्राइवर के कार की तरह चारों तरफ घूम रही है, जिधर मन आता उधर चली। अरे अभी किधर गई? नो एंट्री में। नो एंट्री में? ओफो, ये निकलेगी कैसे? मुझे लगता है कि ये सीटी निकालने के लिए इन्हें उल्टी करवानी पड़ेगी। अरे उल्टी कराओ के सीधी कराओ, मगर जल्दी कराओ, ये सीटी अंदर मेरा बैंड बजा रही है। नौ महीने की तरह फूले हुए इनके पेट की ऐसी धुलाई करूंगी कि सीटी उड़ कर बाहर आ जाएगी। हैं? जोर लगा के, जोर लगा के। अरे इनका पेट है कि सुनार की दुकान है? पप्पू सुनार एंड संत,
ये अंगूठी अंदर कैसे गई? हाँ, छुट्टी मनाने गई थी। क्या छुट्टी मनाने गई थी? अरे ये अंदर कैसे गई, ये पूरी कहानी मैं सुनना चाहूंगी। बताओ, ये कहानी सुनना चाहती है? ऐसा लगता हवलदार ने इंस्पेक्टर से शादी कर ली। बताते हो कि नहीं? अरे बाबा बताता हूँ बताता हूँ। एक दिन है ना, मैं एक चोर के पीछे भाग रहा था। भागते 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 मैंने जाकर उसको पकड़ लिया, उसका हाथ मोड़ा तो उसकी अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। मैं अंगूठी देखने लगा तब तो वो चोर भाग गया। इतने में सामने से कमिश्नर साहब आ रहे थे। मैं समझा मैं कभी रिश्वत के इल्जाम में पकड़ा नहीं जाऊं, तो मैंने अंगूठी है ना मुंह में डाल लिया। इतने में कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा नाकेदार। मैंने कहा यस सर। सर बोला मेरा गला बड़ा होगा टड़ो, अंगूठी पीछे अपने उतर गई। आज तुमने फटका मारा तो अंगूठी बाहर आ गई। नाकेदार जी, एक फटका जोरदार मारिए, इनको हर चीज मुंह में रखने की आदत। चलो चलो लेटो लेटो। अरे वाह, गलत सलत चीज बाहर आ जाएगी तो मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी। आहिस्ता मारूंगी। लेटो शर्म कर, कितनी लालची औरत है। पूरा पेट खाली कर दिया, जायज का सारा सामान निकाल लिया, ऊपर से झुमका मांग रही है। अरे नाकेदारनी जी, नाकेदारनी जी, सब चीजें तो बाहर आ गई मगर असली चीज तो अंदर रह गई। कौन सी? सीटी। सीटी। चलो लेटो, जल्दी लेटो। बहुत नीचे उतर गई वो। अरे मैं बहुत जोर का मारूंगी कि ऊपर आ जाए। कितने सालों से मैंने कह रही थी कि मुझे एक अंगूठी बना दो, एक चूड़ी बना दो, तो कहने लगे कि पगार बढ़ जाएगी तो बना दूंगा। पर मुझे क्या मालूम था कि पेट की तिजोरी में छुपा के रखा है, वरना पेट फाड़ के निकाल लेती। दादा बोल गई लपेट कर। आजी एक बात बता, ये जैसे उसने मेरे पेट पे फटका मार के सारा सामान बाहर निकाल लिया, अगर अपनी सरकार ये स्मगलरों के और काले धन वालों के पेट पे ऐसे ही फटका मारे तो अपने देश का काला धन उड़ के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? नाकेदारनी जी, एक जरा जोरदार फटका और मारिए। क्यों? परसों मेरा टिफिन खो गया था।